तो यूं ही नहीं बन जाता एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड। इसमें सालों की मेहनत होती है, सालों का हार्ड वर्क इसमें देना होता है, तब जाके एक बड़ी ब्रांड जो है तैयार होती है। और इस प्रोडक्ट का मुझे काफ़ी समय से इंतज़ार था। और जो है कुछ स्टिक्स हम निकाल के देखते हैं। इसमें हैंडमेड प्रोसेस में इसे बनाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसमें जो है उडनेस की काफ़ी अच्छी एक स्मेल है। और जो है एक और प्रोडक्ट है इनका, जो कि यागना के नाम से है। और ये दिखने में काफ़ी यूनिक इसकी पैकेजिंग दिख रही है, जैसे कि आपको दिखने को मिलेगा। और इसमें जो पैकेजिंग की गई है वो यागना के नाम से है। और जो है मेरे ख्याल से ये एन रंगनाओ के यादों में ये बनाई गई होगी, क्योंकि उसमें इनके प्रिंटिंग्स फोटोज वगैरह है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम कुछ यूनिक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि आपको कुछ पैकेट्स अभी दिख रहे होंगे। और एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो कि साइकिल प्योर अगरबत्ती है, आप जानते ही होंगे। सो इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो है इनका एक अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बात करते हैं कुछ इनके यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि साइकिल प्योर जो है अगरबत्ती इंडस्ट्री में एक किंग है, मतलब एक बड़ा नाम है, एक बड़ी ब्रांड है। तो ये सामने है वुड्स, और इसी वुड्स अगरबत्ती को जो है ट्राई करने के लिए, मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे मंगाने पड़े, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कॉम्बो में थे, मतलब इनके साथ में ये सारी चीज़ें जो है प्राइस लिस्ट में था। और ये जो है मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट में 349 के अराउंड ये मुझे मिली। और चाहो तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप ले सकते हो, अगर आपको लोकल शॉप में नहीं मिलती है तो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुड्स के बारे में। जैसा कि ये वुड्स आपको दिख रहा होगा, और ये मोस्ट पॉपुलर सेलिंग प्रोडक्ट है इनका, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वुड्स। सो कुछ पैकेजिंग हम देखते हैं। तो पैकेजिंग में आपको ये जो है कैपिटल लेटर में आपको उभरा हुआ ये वुड्स दिखेगा, और इसमें कुछ वुड्स की डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी राइट साइड पे। तो इन बॉक्सेस में एक छोटा सा टैगलाइन जो है लिखा हुआ है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा है प्राकृतिक तैली गुणों से भरपूर प्राचीन काल के सुगंध का एक भंडार, मतलब जो पुराने जमानों में जो फ्रेग्रेंसेस यूज की जाती होंगी उसके बेस में ये इनका जो है फ्रेग्रेंस है। पीछे की तरफ देखें तो इसमें सेम चीजें इसमें भी वर्क की गई है, और ये है साइकिल प्योर की लोगो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सो पैकेजिंग जो है काफी अच्छी है, और जो है इसके प्रोडक्ट को जो है हम तो इस तरीके की पैकिंग में आपको ये देखने को मिलेगी। और ये है सिल्वर पैकेजिंग में, और इसमें भी वुड जो है इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और वैसे फ्रेग्रेंस जो है अभी खोलने पे इसका स्मेल आना चालू हो गया है, और इसमें कुछ जो है स्टिक्स हम ट्राई करके देखते हैं। सो ये दरअसल हैंडमेड प्रोसेस में है, और जो फ्रेग्रेंस है इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये खुलने के बाद इसमें से स्मेल आना चालू हो गई है। और ये नेचुरल फ्रेग्रेंस, और ये जो है नेचुरल फ्रेग्रेंस के ऊपर है, और ये हैंडमेड प्रोसेस में है, जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये अभी भी थोड़ा सा इसमें नमी बनी हुई है, मतलब हैंडमेड प्रोसेस जिसे हम फ्लोरा स्टिक बोलते हैं, तो उस कैटेगरी में ये अगरबत्तियाँ हैं। और जो है इसमें एक फैंसी नोट्स हैं, मतलब एक यूनिक खुशबू है, शायद वुडनेस की जैसे ये आ रही है, और देखने में आपको समझ में आ ही होगा कि ये वुड के जैसे ही इसमें जो है वर्क की गई है, मतलब ऊपर में जो पाउडर्स की वर्क होती है वो भी वुडनेस है। और देखने में काफ़ी लाइट वेट लग रहा है, मतलब फ्रेग्रेंस तो काफ़ी अच्छा है, मतलब यूनिक ही है। और उसके बाद जो है हम दूसरे कैटेगरी की बॉक्सेस जो है खोलते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 3-in-1, जो कि ये भी काफ़ी पॉपुलर जो है प्रोडक्ट है इनका। और पैकेजिंग आप देख सकते हो, काफ़ी बॉक्सेस, बड़ी बॉक्सेस में इसकी पैकिंग की गई है, और बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। और ये है इसकी साइकिल प्योर की लोगो, और उसके साथ साथ इसमें कुछ 2-3 कैटेगरी की जो है अगरबत्तियाँ डली होंगी मेरे ख्याल से, तो इसको भी थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें छोटी छोटी पैकिंगों में अलग अलग कैटेगरी की अगरबत्तियाँ डली हुई हैं, जैसा कि ये हो गया,
और इसमें दो तीन कैटेगरी की और अगरबत्तियाँ हैं तो वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। थ्री इन वन मतलब एक बॉक्सेस में तीन टाइप की इसमें फ्रेगनेंस डली हुई है, तो इसकी फ्रेगनेंस जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब एक नोट्स फैंसी नोट्स में होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर्स का नाम नहीं लिखा गया है। और इसमें जो इसके वेट की बात करें तो ये है 220 ग्राम के अंदर इसमें वेट है, और जो प्राइसिंग है इसकी 100 रुपीज़ है, और वुड्स की जो प्राइसिंग है वो है 75 रुपीज़ है 20 N, मतलब इसमें 20 स्टिक डली हुई है जो कि पीसेज में है अलग अलग, और ये जो है 100 रुपीज़ में है 220 मतलब 220 ग्राम के एवरेज में इसकी पैकिंग है। उसके बाद जो है हम कुछ दूसरे बॉक्सेस को देखते हैं, तो ये है यागना करके इसमें जो है लिखी हुई है, और ये है नेचुरल इंसेंस, वैसे देखने में कुछ यूनिक ये लग रहा है, पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा है इनका, और पैकेजिंग के ऊपर क्या क्या वर्क है वो देखते हैं। तो इसमें एन रंगा राव के नाम से ये पैकेजिंग की हुई है, शायद उनकी यादों में ये प्रोडक्ट जो है बनाया गया होगा, और इनकी फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी हल्की है। इसमें देखते हैं कि कितनी स्टिक्स इसमें डली हुई है, इसमें 30 स्टिक है और इनकी प्राइसिंग है 100 रुपीज़ में। तो ये है सिल्वर पैकेजिंग में, इसको भी पैकिंग की गई है, मतलब सिल्वर पॉलीथीन जो है उसमें पैक की गई है, और दिखने में आपको इस तरीके से ये दिखेगी, और थोड़ा सा हल्का है, और देखने में ये नेचुरल इंसेंस इसमें लिखा हुआ है, सो इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। मेरे ख्याल से ये भी हैंडमेड प्रोसेस में इसे बनाया गया है, और ये हैंडमेड ही है, इसे भी हैंडमेड के बेस में बनाया गया है, और इसकी फ्रेगनेंस जो है वुड से थोड़ा सा लाइट वेट है, मतलब वुडनेस इसमें मेरे को नहीं लग रहा है इसमें। और जो है इसकी फ्रेगनेंस की बात करेंगे तो इसमें एक बेहतरीन नोट इसमें लग रहा है, और ये मेरे ख्याल से इसमें कोई फ्रेगनेंस का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, और ये जो है वुड से थोड़ा सा मिलता जुलता इसमें जो है फ्रेगनेंस इसमें है, मेरे ख्याल से वुड से थोड़ा सा मिलता जुलता इसमें जो है फ्रेगनेंस है मेरे ख्याल से, और फ्रेगनेंस का कोई नाम इसमें नहीं दिया गया है, और हैंडमेड प्रोसेस में है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हैंडमेड बनाई गई है, नेचुरल स्टिक्स है, मतलब इसमें जो आयुर्वेदिक पाउडर्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डल के जो है ये हैंडमेड का प्रोसेस किया जाता है। तो ये है यागना, और इसमें भी काफ़ी अच्छा इसमें फ्रेगनेंस है, सो इसे हम रखते हैं साइड पे। उसके बाद जो है एक बड़ी बॉक्स में पैकिंग की है जो कि इको के नाम से है, इको और कुछ इसमें लिखा हुआ है, क्लासिक ओरिजिनल्स करके इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें एक चीज़ आप देखिए, इसमें बहुत सारे कैटेगरी के 1950-60 मतलब ईयर्स का इसमें मेंशन किया गया है, अब ये किस कैटेगरी में किया गया है वो तो अपने पता नहीं है। और जो इसके वेट्स के बारे में बात करेंगे तो वो है 92 ग्राम पे, और ये है 100 रुपीज़ के प्राइसिंग में ये भी है, और इनके बॉक्सेस जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ में बने हुए हैं, और प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी की अगरबत्तियाँ हैं, सो ये बॉक्सेस जो है थोड़ा सा हम खोल लेते हैं। बॉक्स जो हम साइड में रखते हैं, और इसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारी छोटी छोटी पैकेजिंगों में ये अलग अलग इसमें पैकिंग की गई है। और इसमें जो मैं ईयर्स के बारे में बता रहा था आपको, तो इसमें अलग अलग जो है फ्लेवर्स में इसमें ईयर्स जो है लिखी हुई है, जैसा कि ये लिखा है, ये है 1980, 1970, तो इसमें ये पैकेजिंग मेरे ख्याल से मेंशन की गई है, और थोड़ा सा यूनिक मतलब इनका जो है मीनिंग मेरे को वैसे पता नहीं लग रहा है कि हो सकता है कि ये पुराने टाइम का जो फ्रेगनेंस होते थे उनके बेस में इसे रेडी किया गया होगा, और फ्रेगनेंस भी इनका काफ़ी अच्छा है। कोई एक पैकेट जो है हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये ब्लैक स्टिक्स में है ये सारी पैकिंग, और ये 9 इंच में है ये भी, और प्रेगनेंस अच्छा है, मतलब एक ज़्यादातर साइकिल प्योर्स की अगरबत्तियों में जो नोट्स होते हैं वो फैंसी होते हैं, मतलब फ्रेगनेंस के बेस में नहीं होता, जैसा कि आप जानते होंगे तो चंदन, सैंडल, रोज, जैस्मिन,
और ऐसे बहुत सारे जो फ्रेगनेंस हैं तो उनके बेस में बाकी कंपनियां की अगरबत्तियां होती हैं, लेकिन जो जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी जो निक खोले हैं अभी देखे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रेगनेंस का नाम नहीं है, और जो इनकी फ्रेगनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं सब में मेरे ख्याल से फैंसी नोट्स ये डली हुई है, मतलब जो फैंसी फ्रेगनेंसेस अब मान के चलते हैं वो है। लाइट वेट है इनका प्रोडक्ट और काफ़ी फ्रेगनेंस तो काफ़ी अच्छा है। खासकर मैं ये वुड्स के बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि वुड्स के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था कि ये क्वालिटीज़ इनकी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब पॉपुलर इनका जो है वुड्स की कैटेगरी की अगरबत्तियाँ हैं। सो ये तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया और चाहो तो आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप अगरबत्ती इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको एक यूनिक फ्रेगनेंसेस। सो आप अगरबत्ती इंडस्ट्री से जुड़े हुए मतलब अगरबत्ती से रिलेटेड आपका वर्क है काम है तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे एक बड़ी ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं जो उनकी सोच होती हैं जो उनका प्रोडक्ट्स होता है वो आपको समझ में आएगा। तो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही और आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि एक बड़ी जो ब्रांड होती है उनकी मार्केट में इतना ज़्यादा मोनोपोली क्यों होता है, उनके ब्रांड्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों होती है, मार्केट्स में उनके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड क्यों होती है, और जो इनसे हमें क्या सीख मिलती है एक छोटे मैन्युफैक्चरर्स या फिर छोटे ब्रांड चलाने वाले को, सो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ।